दोस्तों नमस्कार। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और आप SBI के ATM इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए किन किन तरह का यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और जान के आपको बेहद दुखी होगा। अगर आप ATM से बैलेंस चेक करते हैं अपने खाते का, उसमें भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज लेता है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ, मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, अगर आपका खाता SBI में है तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 रुपए तक है, तो इसमें मेट्रो स्टेशन से आप 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, जैसे कि इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों आते हैं। फाइनेंशियल में आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ATM से पैसे निकाल सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल में आप जैसे मिनी स्टेटमेंट हो गया, बैंक बैलेंस चेक करना हो, नॉन फाइनेंशियल में आता है। पॉइंट नंबर टू, अदर बैंक के ATM मशीन से आप 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, SBI के ATM मशीन से आप 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें विड्रॉल भी कर सकते हैं और आपके बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, जिसमें नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दोनों आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, अगर आपके SBI खाते में आपका एवरेज मंथली बैंक बैलेंस 25,000 से 50,000 तक रहता है, यानी कि 25,000 से ऊपर और 50,000 तक रहता है, और आपका खाता है सेविंग अकाउंट, मेट्रो स्टेशन पे जो है 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं। वहीं हम SBI को छोड़ के अदर बैंक के ATM की बात करें तो अदर बैंक के ATM के मशीन से 5 बार आप फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन SBI के ATM मशीन से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वहीं हम SBI ATM पर अनलिमिटेड आप फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका SBI का ATM है तो वहाँ पे जो है अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों होते हैं, इसमें विड्रॉल भी कर सकते हैं और बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर पाँच, SBI के ATM मशीन से आप विड्रॉल किए हैं और आपका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 तक है, यानी कि आपका जो मंथली बैलेंस है खाते में 25,000 तक आता है, 5 बार ट्रांजैक्शन आप फ्री कर सकते हैं। अगर 5 बार से ज़्यादा यानी कि 6ठा बार आप करते हैं तो उसमें आपका चार्ज लगेगा, जिसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आपका चेक किया जाएगा। अगर आपका नॉन फाइनेंशियल रहेगा तो यहाँ पे आपका जो है चार्ज लगेगा SBI के ATM पे, तो ये 5 रुपये प्लस GST यानी कि टोटल 5 रुपये 90 पैसे आपके लगेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और उसमें जो है आपका चार्ज लगेगा 10 रुपया प्लस GST और टोटल हो जाता है 11 रुपया 80 पैसा, ये SBI के ATM मशीन। पॉइंट नंबर सेवन, इनसफिशियंट बैलेंस पे आपका चार्ज लगेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब पर भी आप ATM मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपका 20 रुपया प्लस GST यानी कि टोटल 23 रुपया 60 पैसे आपसे चार्ज किया जाएगा। इसमें नॉन SBI ATM पे, मेट्रो स्टेशन पे और अदर बैंक के ATM पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 30 रुपये 60 पैसे आपसे चार्ज लिया जाएगा। वहीं हम नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो अगर आप बैलेंस चेक करते हैं बैंक बैलेंस, तो 9 रुपये 44 पैसे प्लस GST के साथ आपसे लिया जाए। ये चार्ज जो है पॉइंट नंबर सेवन जो मैंने आपको बताया, इनसफिशियंट बैलेंस पे चार्ज लगता है, जैसे कि आपके खाते में पैसे नहीं है तब पर भी आप ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो ये आपसे चार्ज लगाया जाएगा। अभी हम बात कर लें अदर बैंक के ATM पे, अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस जो रहता है 1 लाख से ऊपर आता है आपके खाते में पैसे, आप जो है अदर बैंक के ATM पे अनलिमिटेड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगता। ये जो है आपका जानना बेहद जरूरी था। अगर आप SBI के ATM इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड इस्तेमाल, तो आप इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरह से SBI के ATM पे चार्ज लागू होता है और किन किन तरह का चार्ज आपसे लिया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।